So we'll be doing this animal quiz, and animal world के बारे में हमारी क्या नॉलेज है, बायोलॉजी पढ़ रखी है, जनरली नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी भी गलती से कभी कभी देख लेते हैं, तो देखा जाए कि क्या क्या हम जानते हैं उसके बारे में. So the first question is, write it down. दो जो हाथ दो नी दो बैठे जो बुक नहीं लाए हैं वो लिख लेंगे. ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट टाइप ऑफ बिग कैट? टाइगर. भाई ऐसे आंसर है, इसने लिख दिया. पुट योर हैंड अप. व्हाट इज द लार्जेस्ट टाइप ऑफ बिग कैट इन द वर्ल्ड? टाइगर. ये टाइगर एक तो कैट है कि टाइप ऑफ बिग कैट? टाइप बिग कैट. ठीक है, एवरीबडी अग्री टू दिस आंसर? कोई ऐसा जो कह नहीं सर दूसरा होगा. हैव यू हर्ड अबाउट लाइगर्स? लाइगर के बारे में कुछ सर? नोट करेंगे, गूगल करिएगा इसके बारे में. LIGER, लाइगर. एग्जैक्टली. लाइन एंड अ टाइगर नेचुरली नहीं, जिसे जेनेटिकली मॉडिफाई करके प्रोड्यूस कर हाइब्रिड है. ठीक है, इट्स एक्चुअली ट्वाइस द साइज ऑफ बोथ. लाइगर लाइन प्लस टाइगर. ठीक है, तो अगर लार्ज कैट की बात करेंगे तो नेचुरली अकरिंग तो लाइन है, बट उसके बियॉन्ड भी चीजें गई है फॉर यू ऑल टू नो. ठीक है, लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. आर बटरफ्लाई इंसेक्ट्स? दे आर इंसेक्ट्स. ओके, ठीक है, आई गिव दिस आंसर. कोई ऐसा जो डिसएग्री करे इस आंसर से? द थर्ड क्वेश्चन वॉज, आर फीमेल एलिफेंट्स कॉल्ड? हमने भाई कुछ निकाला? कुछ भी नहीं. कोई और कॉपी, कोई पेज नहीं है. ठीक है, चलो लेट अस चेक दैट आउट विथ गूगल. सर पीछे लिखा हुआ घूमते हैं, पीछे तो मिली है. Does it match the answer given at the back? Yes, sir. Then write it down. A female elephant
इज कॉल्ड अ काओ एलिफेंट कहें, सिर्फ काओ नहीं कहें, ठीक है। द फोर्थ क्वेश्चन, बीज आर फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ एक्सेप्ट फॉर वन, एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका भी प्रोबेबल आंसर हो सकता था आउट ऑफ द सेवन बिकॉज ऑफ द वेदर, वहां पे वेदर बहुत ही इनहैबिटेबल, ठीक है। और अगर आप बीज की बात करेंगे तो बीज का फूड क्या, द नेक्टर दैट दे सप फ्रॉम प्लांट्स, सर वहां फ्लावर नहीं है, एंटार्क्टिका में कुछ प्लांट ही नहीं है, प्लांट है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज डॉल्फिन अ मैमल, यस वी ऑल हैव स्टडीड इट सिंस वी वर वेरी यंग। What is the only continent on earth where giraffes live in the wild? एक ही हो सकता है इसका आंसर, अफ्रीका। How many pairs of wings does a bee have? Six pairs. Sure. किसी के पास कोई डिफरेंट आंसर? फोर पैच मतलब एट विंग, देखते आई डोंट नो इट, जनरल नॉलेज इज फॉर यू ऑल टू स्टडी एंड फाइंड इट आउट। टू व्यू, टू पैच मतलब चार काउंट, ठीक है। टू व्यू, टू पैच, जब चार पंख ना पैर पूछा है, टू पैर होगा, ठीक है। सिर्फ थैंक यू फॉर योर आंसर। व्हाट टाइप ऑफ एनिमल इज द लार्जेस्ट प्राइमेट इन द वर्ल्ड? फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज अ प्राइमेट। अ प्राइमेट इज एनी मैमल ऑफ द ग्रुप दैट इंक्लूड्स लेमर्स, लोराइजेस, टार्साइजर्स, मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस। ऑर्डर प्राइमेट्स विद इट्स 300 और मोर स्पीशीज इज द थर्ड मोस्ट डाइवर्स ऑर्डर ऑफ मैमल्स आफ्टर रोडेंट्स एंड बैट्स, ठीक है। मैमल क्या होगा, ठीक है, जो डायरेक्टली अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, मतलब दे डोंट प्ले एग्स, ठीक है। लार्जेस्ट प्राइमेट पूछा गया ना, क्या लगता है कौन हो? प्रॉबेबली गोरिल्लास। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? ईस्टर्न गोरिल्ला या फिर सिंपली गोरिल्लास, ठीक है। नाउ डू वी हैव नोट कर लिया इसको सब्जेक्ट? यस सर। व्हाट इज द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ अ हेजहॉग्स अपीयरेंस? हेजहॉग क्या होता है, देखा है सबने, ठीक है। पहले देखते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग फीचर इसके बारे में क्या लगता है? इसकी बॉडी थोड़ी सी अजीब है, ठीक है। आगे से तो ये चूहे जैसा ही है, बट देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट हिज होल बॉडी। ऐसा ही एक पोकेमॉन मूवी होता है, यस, ये पता होना चाहिए कुछ लोगों को, कौन सा? अगर ये तुम लोगों को नहीं पता तो फिर तो दम भेजाओगी। चलो मतलब ठीक है, पढ़ाई चीजें नहीं पता, बट अगर ये भी नहीं पता तो फिर कर क्या रहे?
we are not watching cartoons, we are, we don't know about the things in the book. कर गया चलिए ठीक है. सो व्हाट्स द मोस्ट क्या क्या क्वेश्चन था. रिकॉग्नाइजेबल या आइकॉनिक क्या है इसके बारे में, तो वो है इसकी बॉडी. ये है देखते हैं वॉट डज विकिपीडिया आज उसे. स्पाइनी स्पाइन्स क्या होते हैं कांटे. तो स्पाइनी स्किन रिजेंबल्स दैट ऑफ पॉर्क्यूपाइन्स विच आर रोडेंट्स. तो पॉर्क्यूपाइन्स तो रोडेंट्स होते हैं, बट ये क्या है, रोडेंट्स नहीं है, ये रोडेंट भी है. इस एक सेंटेंस में आइए सबको अपना आंसर दीजिए. दी आंसर ठीक है. वट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव. इज शार्क अ फिश और अ मैमल. फिश. वट इज द नेम ऑफ एन अडल्ट फीमेल हॉर्स. एम ए आर ई मैन ठीक है. और मेल हॉर्स को क्या कहते हैं. स्टैलियन. स्टैलियन कहते हैं क्या. स्टैलियन किसको कहते हैं. चलिए सर्च करेंगे इसको भी फिर. व्हाट इज द मेल हॉर्स फॉर. जैसे मेल एलिफेंट को बुल एलिफेंट पढ़ा था भी हमने, फीमेल को काउ एलिफेंट, मेल को बुल एलिफेंट, वैसे ही मेल हॉर्स अगर फीमेल को मैन कहते हैं तो मेल हॉर्स क्या है. सिंपली हॉर्स. देखेंगे इसको सब लोग सर्च करेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर बेबी गोट्स कॉल्ड. I guess it's lamb. बीटी कहते हैं. सर लैम्ब सर जैसे की होते हैं क्या होता है सर. ठीक है ठीक है. गोट का क्या होता है. पीढ़ी होता है. देखते हैं. लैम्ब किसको कहते हैं. शीप को अबेली शीप. और इसको क्या कहेंगे. ठीक है. लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड. इसके बारे में अभी जिला सर लार्जेस्ट एलिफेंट. टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट ब्लू वेल होगा सर. ठीक है. ये हो गया. इसके बाद व्हाट इज द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल फिजिकल फीचर ऑफ द मेल लायन. कहते क्या. बियर्ड. सर बियर्ड नहीं कहते. कहते क्या है. ठीक है इसको ढूंढेंगे सब. व्हाट इज द नेक्स्ट वन. हाउ मेनी लेग्स डज अ स्पाइडर हैव. एट. ये सबको पता है. अभी कौन सी आई थी. एवेंजर्स एंड गेम. एंड गेम में स्पाइडरमैन के नए सूट पे उसके पीछे से भी पैर निकलते. हाउ मेनी ऑफ देम वर देयर.
आठ निकलते थे, नौ सर निकलते, छह से दो दोस्तों को दो थे कि चार चार हाथ और पैर को एक ही कैटेगरी में रखा जाएगा ना, बट इट कम्स टू एनिमल्स। देखिएगा फिर से मूवी एक बार, ठीक है। डो इज व्हाट काइंड ऑफ एनिमल? क्या सर? डो, डी ओ ई, मेल डियर, यस दैट्स करेक्ट, फीमेल डियर, ठीक है। क्रॉस चेक कर ले रहे हैं इन केस ऑफ कंफ्यूजन। फीमेल रैबिट, डियर और हेयर, ठीक है। द क्रोकोडाइल स्पीशीज इज बिलीव टू हैव बीन अराउंड फॉर हाउ लॉन्ग? 2 मिलियन ईयर्स और 200 मिलियन ईयर? 200 मिलियन। एंड वॉट आर अ ग्रुप ऑफ लाइन्स नोन एज प्राइड? वॉट फूड मेक्स अप नियरली ऑल अराउंड 99% ऑफ अ जायंट पांडास डाइट? वॉट इज द नेम ऑफ द फोबिया दैट इन्वॉल्व्स एन एबनॉर्मल फियर ऑफ स्पाइनर्स? इसमें ये जो वर्ड है स्पाइडर्स की फैमिली को दे कॉल इट अ वर्ड, अराक्नोफोबिया, ए आर ए सी एच एन ओ पी एच ओ बी आई ए, अराक्नोफोबिया। अराक्निड कहते हैं, इट्स अ टर्म यूज फॉर स्पाइडर्स। ठीक है, लिख दिया। द नेक्स्ट वन हो गया, 16th वाला देख लेते हैं। प्लांट्स को इसके बारे में थोड़ा सा एक दस हो गया क्या? ठीक है, देन विल स्टॉप ओवर हियर।